Welcome back, everyone. So today we will continue with class 12, Geography, Transport and Communication, chapter number 8. In the last lecture, we have discussed about transport and communication, modes of transport, land transport, pack animal. And today we will start with the roads. So road transport is the most economical for short distances compared to railways. ठीक है, तो आपका इकोनॉमिकल ज्यादा आर्थिक फायदेमंद पड़ता है आपका रेलवे के मुकाबले देखा जाए, और हेल्पफुल भी है बिकॉज गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड इज प्रॉफिटेबल बिकॉज इट ऑफर्स डोर टू डोर सर्विस। तो आपका गुड ट्रांसपोर्ट जो है आपका रोड टू रोड सर्विस प्रोवाइड करवाता है, सॉरी डोर टू डोर यानी घर तक आपका सामान पहुंचाता है। ठीक है, अनमेटल रोड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन दिस बिकम अनमूवेबल। अनमेटल रोड जो होते हैं आपके जो कच्चे रास्ते होते हैं एक तरीके से, रेनी सीजन के अंदर वहां पर मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। When the metal roads are seriously damaged during heavy rains and floods, तो even जो आपके metal road भी होते हैं बारिश के दौरान वो भी damage हो जाते हैं ना, कई बार टूट जाते हैं। ठीक है, so rail network cannot serve the needs of vast and developing countries at a low cost. और rail network जो है आपके एक बड़ी developing countries के low cost पे उनकी जो है requirement fulfill नहीं कर सकते। rail network के लिए बहुत ज्यादा जो है investment करनी पड़ती है। And road network play an important role in trade and commerce and for promoting tourism. और road network जो है आपका trade, commerce और tourism को develop करने के लिए भी आपका important role play करता है। And the quality of the roads varies between developed and developing countries because road construction and maintenance required heavy expenditure. और the quality of roads है आपकी वो develop और developing countries में vary करती है because जो आपका construction होता है ठीक है रोड का, और उसको मेंटेन करना है, कंस्ट्रक्ट करना, उसके लिए बहुत ज्यादा हैवी जो इंफ्रास्ट्रक्चर या हम कहें एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्रैफिक फ्लो। ट्रैफिक फ्लो क्या होता है आपका, ट्रैफिक ऑन रोड्स हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली इन रिसेंट ईयर्स। तो कुछ पिछले सालों में आपका जो ट्रैफिक काफी इंक्रीज हुआ है पिछले सालों में, रोड्स डिडंट इंक्रीज बट द ट्रैफिक इंक्रीज अ लॉट। रोड्स तो नहीं बढ़े ना, रोड तो उतनी है बट ट्रैफिक बढ़ गया उस पर। ठीक है, व्हीकल्स बढ़ गए आपके, पीक्स हाई पॉइंट्स एंड ट्रफ लो पॉइंट्स ऑफ ट्रैफिक फ्लोज कैन बी सीन ऑन रोड्स एट पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द डे। तो हाई पॉइंट्स पीक जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, या लो पॉइंट्स थोड़ा कम ट्रैफिक होता है, या ट्रैफिक फ्लो जो आपका ये एक तरीके से रोड पे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर देखा जा सकता है, जैसे कि वी कैन सी जैम्स ऑन द रोड बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग टाइम। जैसे सुबह 8-9 बजे का टाइम होता है जो है लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, शाम को 5-6 बजे का टाइम होता है जब लोग ऑफिस से वापस आते हैं घर, तो इस तरीके का जाम जो है रोड्स पे लग जाता है आपका। ठीक है, ट्रैफिक फ्लो। So next one is highways. So highways are metal road connecting four places. They are constructed in a manner for unstoppably vehicular movement. तो ये highways आपके metal road होते हैं places को आपस में connect करते हुए, और ये इस manner में बनाए जाते हैं कि बिना रुके unstoppably vehicle की movement चलती रहे। ठीक है, so these are 80 meter wide with separate traffic lanes, bridge, flyovers and dual carriageway to facilitate continuous traffic flow. तो ये normally 80 meter wide होते हैं, ठीक है, separate lines होती है 18 meter की, और आपके separate lines होती हैं, इनके ऊपर से bridges भी बनाए जाते हैं आपके, और even जो है आपके dual carriageways भी इसके ऊपर facilitate continuous traffic flow को करने के लिए उसके ऊपर देखने को मिलते हैं। In developed countries, every city and port town is linked through highways. और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर है जो हर एक सिटी और पोर्ट टाउन है जो आपका हाईवे के थ्रू जुड़ा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो आपका हाईवे की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, और हर एवरी कोई भी प्लेस हो वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस के एरिया में ही मिलेगा। 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो मेन हाईवे होता है उससे 20 किलोमीटर के रेंज में ही वो मिलेगा आपको। जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल सिटी लोकेटेड इन ऑन द पैसिफिक कोस्ट ऑफ वेस्ट आर वेल कनेक्टेड विद द डोज ऑफ अटलांटिक कोस्ट ईस्ट। तो इवन आपके वेस्ट वाले पोर्शन पे जो कोई सिटी भी होगी तो आपकी वो ईस्ट वाले से वेल कनेक्टेड मिलेगी आपको। ठीक है, सिटीज ऑफ कनाडा, तो जो आपकी सिटी है कनाडा के अंदर, इन द नॉर्थ आर लिंक्ड विद दोज ऑफ मेक्सिको इन द साउथ। तो आपके कनाडा के अंदर नॉर्थ में सिटी है वो आपके मेक्सिको साउथ से कनेक्टेड है। आपकी यूरोप हैज अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड वेल डेवलप्ड हाईवेज एंड नेटवर्क। तो यूरोप के अंदर भी आपकी व्हीकल बहुत ज्यादा है और वेल डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क है आपका, and आपका जो बट हाईवेज फेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम रेलवेज एंड वाटरवेज। और वहाँ पे आपको बट रेलवेज और वाटरवेज के साथ बहुत ज्यादा कंपटीशन उनका देखने को मिलता है। इन रशिया मेनी हाईवे नेटवर्क इज डेवलप्ड इन द इंडस्ट्रियल रीजन वेस्ट ऑफ द यूराल्स विद द मॉस्को एज द हब। रशिया के अंदर भी आपका हाईवे बहुत ज्यादा है
हाईवे नेटवर्क बहुत डेवलप्ड है, इंडस्ट्रियलाइज जो आपकी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा है वहाँ पे, जो इंडस्ट्रियल रीजन है आपका यूराल, वो मॉस्को जो हब है उसका, उससे कनेक्टेड है मॉस्को जो आपका उसके रशिया का। ड्यू टू वेस्ट जियोग्राफिकल एरिया हाईवेज इन रशिया आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज रेलवेज, तो जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वहाँ का, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर, टोपोग्राफी है, उसकी वजह से आपका हाईवे जो है रशिया की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रेलवे के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि वहां पर रेलवे की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इन चाइना हाईवेज क्राइसिस क्रॉस द कंट्री कनेक्टिंग ऑल मेजर सिटीज सच एज टू संतोसो नियर वियतनाम बाउंड्री, शंघाई, गुआंगजो एंड बीजिंग, तो ये आपकी चाइना के अंदर भी जो है वेल कनेक्टेड है, जो आपकी मेजर सिटीज है आपस में, कंट्री एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। और इंडिया के अंदर जो है आपके मेनी हाईवेज हैं जो मेजर टाउन्स और सिटीज को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है नेशनल हाईवे नंबर 7, ठीक है, कनेक्टिंग वाराणसी विद कन्याकुमारी इज द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री, तो जो आपका वाराणसी से कन्याकुमारी तक का लॉन्गेस्ट माना जाता है। फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटर है आपका GQ, जो सुपर एक्सप्रेसवे है नेटवर्क जो आपका कनेक्ट करता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जो आपकी न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर आपके यहाँ रोड, जो बॉर्डर रोड्स होते हैं, ठीक है, बॉर्डर रोड्स के अंदर हम क्या देखते हैं, बॉर्डर रोड्स होते हैं, बॉर्डर का मतलब आपके जो सरहद होती है, ठीक है, उसके अंदर जब हम देखते हैं कि जो रोड्स अलोंग द इंटरनेशनल बाउंड्रीज आर कॉल्ड बॉर्डर रोड्स, जो इंटरनेशनल एक देश से दूसरे देश को बीच में अलग करता है बॉर्डर, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, उनको बॉर्डर रोड कहा जाता है, और इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली जो आपके वो बाउंड्रीज होती है मोस्टली आपकी रिमोट एरियाज में पाई जाती है, तो यहाँ पे दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ज्वाइनिंग पीपल इन रिमोट एरियाज विद मेजर सिटीज एंड प्रोवाइडिंग डिफेंस, तो ये आपका डिफेंस में भी हेल्पफुल है, और जो वहां पर रिमोट एरियाज में जो बॉर्डर रीजन में जो आपके आदमी रहते हैं, पॉपुलेशन है, उनको जो है मेजर सिटीज के साथ कनेक्ट करता है, और डिफेंस भी कैसे प्रोवाइड करवाता है आपका, अगर मान ले किसी के साथ हमारी जो युद्ध छिड़ जाए तो हमें वहां पर जल्दी से अपनी आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ती है, ठीक है, और आर्मी डिप्लॉय करने के लिए हमें बढ़िया बेटर फैसिलिटीज रोड चाहिए, बिना रोड के हम वहां नहीं पहुंचा सकते। अभी जो आपका चाइना के साथ मेनली इशू क्या है, इसी बात को लेके है कि हमारे जो उन्होंने तो रोड डेवलप कर लिए हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है इस वजह से, ठीक है, तो इसी वजह से ये चीजें बॉर्डर रोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रेलवे, थैंक यू सो मच।